बच्चों, लाइट में पिछले टॉपिक में हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, यह सभी टॉपिक्स हम लोग पढ़े थे। पिछले क्लास के वीडियोज को देख लेना है। और आज अभी हम लोग स्टार्टिंग में चल रहे हैं बच्चों, 9th, 10th में, 8th में जो तुम लाइट पढ़े हो उसी को ही चल रहे हैं। केवल पॉइंट्स कुछ ज्यादा होते जा रहा है, लेकिन बेसिक से जुड़े रहना और वीडियो स्किप नहीं करना बाबू। मेहनत करके देखो, मेहनत करो, ध्यान दो। यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, प्लेन सरफेस, ग्लास का एक सरफेस है, प्लेन ग्लास का एक सरफेस दिया हुआ है। एक तरफ सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ा हुआ है, चांदी का कलर किया हुआ है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है उससे लाइट का रे अगर गया, देखो ध्यान दो, लाइट का रे गया 90 डिग्री पे, जो गया नॉर्मल के लाइन में गया, वह आई जीरो बनाया। ध्यान दो बच्चों, जो रे ऐसे आता है जितना एंगल पे आता है उतना ही एंगल पे रिबाउंड करता है। जो लाइन नॉर्मल पे ही आ गया, उसी पे आ गया, वहां तो आई जीरो हो गया, तो आर भी जीरो, तो उसी पे लौट जाएगा। तो किसी भी प्लेन मिरर या किसी भी मिरर पे रे नॉर्मली गिरेगा तो उसी पाथ पर रिट्रेस करेगा, उसी रास्ता पे वापस लौटेगा। ये लाइन याद रखना, तो जिस लाइन पे गया तो उसी लाइन पे वापस लौट गया। अगर रे ऐसे गया और ऐसे गया तो यहां कुछ एंगल पे बनाया बाबू, यहां नॉर्मल बना, तो यहाँ पे लाइट रे जो होगा वह रिबाउंड करेगा इधर। यहाँ पे अगर लाइट रे गया तो फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे और फिर इधर रिबाउंड करेगा। तो देखो बच्चों, समझो, यह तुम्हारा इंसिडेंट रेज गए और यह रिफ्लेक्टेड रे वापस आ गया। रिफ्लेक्टेड रे है और यह तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है। तो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे जहां जाके कट जाए, मतलब मिल जाए, वही इमेज बनता है। तो जहां मिले तो इधर आके मिलेगा, दिख रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, या ऐसे बढ़ रहा है या ऐसे बढ़ रहा है, तो मिलेगा तो नहीं, वापस जाए कहीं मिलेगा नहीं, तो मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो, तो इधर नहीं मिलेगा तो इधर तो मिलेगा। ध्यान दो बच्चों, इधर तो मिलेगा, इसको पीछे बढ़ाएंगे और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहीं पे तुम्हारा इमेज बनेगा। तो इमेज फॉर्मेशन के बारे में बच्चों ध्यान दो, इमेज क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट, इंसिडेंट लाइट रे मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होता है। और रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो वहीं पे इमेज बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो इमेज जो होता है रिफ्लेक्टेड रेज जहां मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो उसे हम इमेज कहते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ गए बच्चों? तो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन थोड़ा ध्यान दोगे बच्चों। प्लेन मिरर से, एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, यहां पे एक पर्सन खड़ा है और इस पर्सन का यहाँ पे इमेज है। कैसे इमेज है ध्यान दो। तो देखो, रे यहां से गया होगा, वापस लौट गया होगा, तो हमको महसूस होगा कि यहां से वापस आ रहा है बच्चों, ऐसे वापस आ रहा है, यहां से आ रहा है। एक रे इधर से गया तो रिफ्लेक्ट रे रिफ्लेक्ट हो गया होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया होगा। तो यह रिफ्लेक्टेड रे है और यह रिफ्लेक्टेड रे है, जहां कटता हुआ प्रतीत हुआ यहाँ पे इमेज बन गया। इधर से रे गया, वापस लौटा, इधर इसको बढ़ा दिए, यह रे इधर गया, इसको वापस ऐसे। तो यह रिफ्लेक्टेड रे है और यह रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यह अगर ऑब्जेक्ट है तो यह तुम्हारा इमेज है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बात को तुम लोग समझो बच्चों। इसमें कुछ पॉइंट्स है, ध्यान देना है। पॉइंट्स वन है कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट बराबर होता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है वह इमेज के डिस्टेंस के बराबर होता है, मतलब यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस बराबर होगा।
थोड़ा डायग्राम रे डायग्राम में प्रॉब्लम आ सकता है डिस्टेंस पे, लेकिन यह डिस्टेंस बराबर होता है, या डिस्टेंस और या डिस्टेंस बराबर होता है बाबू। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर अपोजिट ऑफ मिरर, आर अपोजिट ऑफ मिरर, अपोजिट साइड ऑफ मिरर, मिरर के अपोजिट साइड में ऑब्जेक्ट और इमेज होते हैं। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इधर होगा तो इमेज इधर होगा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, सभी तुम लोग को ध्यान रखना है। तो प्लेन मिरर के लिए पहले नंबर बात कि यहां पे समझो कि कोई भी मिरर में रे में इमेज का लोकेशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्टेड रे जहां कटे या कटता हुआ दिखे, जहां कटे या लगे कि कट रहा है, यहां मिल रहा है, यहां वहां इमेज बनता है। और ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या होता है। तो जहां इंसिडेंट रे मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो, जहां इंसिडेंट रे मिले आपतित किरणें जहां मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, वहां वस्तु होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और जहां रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उन्हें हम इमेज बोलते हैं। तो जहां इंसिडेंट रे मिलेगा ऑब्जेक्ट होगा, और जहां रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा वहां इमेज होगा। क्लियर है बाबू, या मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो प्लेन मिरर के बारे में आप पॉइंट्स नोट कर लोगे तुम लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि अगर क्या कभी ऐसा हो सकता है, टेंथ क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़े हैं कि प्लेन मिरर जो होगा वह हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, माने काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कभी रियल बना सकता है, क्या कभी ऐसा केस होगा कि रियल बना सकता है? तो ध्यान दो, एक केस होगा। जैसे कि मान लो बाबू यह एक प्लेन मिरर है, यह एक प्लेन मिरर है, रे यहां से आया, रे आया और रे टकरा के मिरर से इधर आ गया। एक मिरर तुम, यह एक रे यह है, तो रे यहां पे टकरा के यहां आ गया। तो देखो बाबू, डायरेक्ट रे से जो बनता है यह रियल इमेज बना। तो यहां पे रे आया टकरा के यहां पे कटा, रे आया यहां पे टकरा के यहां, तो दो रे हैं, यह दोनों कन्वर्जिंग रेज थे, उनके रास्ता में अगर हम प्लेन मिरर को रख दें, दो मिलता हुआ रे था, दो रे आपस में जाके मिलने वाला था, उसी के रास्ता में एक प्लेन मिरर रख दिए, तो मिरर से टकरा के रियल रियल टकरा के रियल कट गया, रियल रियल लाइन कटेगा तो रियल इमेज बनेगा, और यहां इमेजिनरी लाइन अब हो गया ना बच्चों, तो यह तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्लेन मिरर जो दसवां क्लास का बच्चा बहुत सारा नहीं जानता है कि प्लेन मिरर भी रियल इमेज बना सकता है जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, मतलब दोनों उल्टा साइड में होता है। प्लेन मिरर मिरर कैन फॉर्म वर्चुअल रियल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, वस्तु काल्पनिक होंगे, तो प्रतिबिंब जो होगा, इमेज जो होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, ध्यान रखना कि यहां पे यानी कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल। ऑब्जेक्ट का लोकेशन कैसे देखें, तो आपतित किरण इंसिडेंट रे जहां मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है वहां ऑब्जेक्ट बनता है, और टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे जहां कटता है कटता हुआ प्रतीत हो वहां पे इमेज बनता है। तो प्लेन मिरर भी तुम्हारा रियल इमेज बना सकता है। अब कुछ पॉइंट्स ध्यान दो बच्चों, एक प्लेन मिरर है जो कि फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड प्लेन मिरर है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, और यहां पे एक इमेज इसका बना, अलग अपोजिट साइड में बनते हैं। अगर ऑब्जेक्ट भी स्पीड से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा, दौड़ेगा, तो इमेज भी स्पीड से मिरर को अप्रोच करेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में भी स्पीड से दौड़ेगा, तो इमेज को भी स्पीड से दौड़ना होगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर रखना होता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। दोनों आपस में अप्रोच करने का स्पीड 2v होगा, आपस में मिलने का, ऑब्जेक्ट और इमेज का आपस में मिलने का स्पीड 2v होगा। अगर मान लिया जाए ऑब्जेक्ट जो है वह तुम्हारा स्टेशनरी है, इस बार ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और मिरर भी स्पीड से जा रहा है, तो जो इमेज है
इमेज जो है वह 2V स्पीड से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा मिरर के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, रुके हुए बॉडी के रिस्पेक्ट में। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मिरर फिक्स हो ऑब्जेक्ट भी स्पीड से दौड़ेगा तो इमेज को भी स्पीड से दौड़ना होगा, और ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और मिरर भी स्पीड से जाएगा तो इमेज को 2V स्पीड से जाना होगा। यह सही बात, डिस्टेंस के हिसाब से बराबर करना है। तो तुम अपने सोचो कि यहां से x बढ़ाओगे तो यहां से इसमें x कम और फिर एक और x, तब 2x इसको बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस खुद से घर पर सोचना है, और इसे पॉइंट्स याद रखोगे तुम लोग कि प्लेन मिरर के लिए क्या क्या बातें हम बता रहे हैं। तो प्लेन मिरर पर एक इमेज फॉर्मेशन तुम लोग को बताएं। अब यहां पे ध्यान दो बच्चों कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहां पे एक प्लेन मिरर दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है और एक प्लेन मिरर दिया हुआ है, ये एक्स दूरी है। तो एक सही दूरी पर इमेज इसका बनेगा उतना ही हाइट का। यह अगर ऑब्जेक्ट है बाबू तो यह तुम्हारा बन जाएगा इमेज उतना ही का, उतना ही हाइट का। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट अगर एच माने तो इमेज का हाइट भी एच होगा। तो ध्यान दो बच्चों, अगर यह लड़का इस अपने बनाए गए इमेज को देखता है तो देखने के लिए थीटा एंगल में वह देख रहा है। किसी भी बॉडी का साइज जो होता है वह देखने वाले आदमी के आंख पर बनाए गए कोण के हिसाब से ही हम लोग, एंगल के हिसाब से ही हम लोग देखते हैं। अब यह है तुम्हारा मिरर, तो मिनिमम साइज मिरर का क्या होना चाहिए इतना। अब इधर मिरर हो या ना हो उससे क्या मतलब है, पूरा अपना इमेज देखने के लिए इस आदमी, यह आदमी अपना पूरा इमेज देखने के लिए इतना ही हाइट का मिरर से काम चला लेगा। इधर मिरर नहीं हो रहेगा तब भी काम चल जाएगा। तो साइज ऑफ मिरर हम एच मान लिए, साइज ऑफ मिरर हम क्या मान लिए बाबू, तो एच मान लिए। तो ध्यान दो यह एक्स है, यह एक्स है, और हम टैन थीटा यूज करें इस ट्राइंगल में, टैन थीटा यूज करें तो बी पी बाई बी, तो पी के जगह है एच और बी के जगह है टू एक्स, एच बाई टू एक्स। और इस छोटे ट्राइंगल में अगर टैन थीटा को यूज करते हैं हम तो लिखेंगे एच बाई एक्स, एच बाई एक्स, यहां से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एच बराबर हो जाएगा एच बाई टू। इससे एक इम्पॉर्टेंट बात सीखने को मिला कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी अपना पूरा इमेज मिरर में देख लेगा अगर मिरर का साइज आदमी के साइज के आधा हो। टू सी फुल इमेज ऑफ पर्सन साइज ऑफ मिरर, साइज ऑफ प्लेन मिरर, मिरर शुड बी हाफ ऑफ साइज ऑफ पर्सन। अगर 5 फीट के एक पर्सन का फुल इमेज हमको मिरर में बनाना है तो मिरर का साइज 2.5 फीट कम से कम होना चाहिए। 2.5 से ज्यादा हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। 6 फीट का आदमी का साइज देखना है, फुल इमेज देखना है तो मिरर का साइज 3 फीट एटलीस्ट होना चाहिए। क्लियर है बात बाबू, इसको तुम लोग नोट कर लोगे। तो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन, साइज का मिरर घसकेगा, आदमी घसकेगा तो क्या क्या होगा, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज का भी फॉर्मेशन कर लेता है। अब देखो बच्चों, एक ग्लास का एक स्फीयर ले लिए हम लोग, एक स्फीयर ले लिए, तो स्फीयर लेंगे तो स्फीयर का कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा, एगो स्फीयर ले लिए, एगो होलो स्फीयर कहो, एक होलो स्फीयर खोखला गोला तुम ले लिए, इसमें कोई भी पोर्शन काट दो तो स्फेरिकल मिरर बनेगा। यहां से पोर्शन काट के जिसे तुम निकाल रहे हो, पोर्शन काट के इसे निकलेगा ना, वह तुम्हारा स्फेरिकल मिरर कहा जाएगा, स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर में अगर बाहर साइड को सिल्वर ब्रोमाइड लगा दो, सिल्वर कर दो, तो अंदर वाला साइड साइनी साइड हो जाएगा। इसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। और अगर अंदर वाले साइड को सिल्वर कर दो तो बाहर वाला साइड साइनी साइड हो जाएगा, उसे हम लोग कॉनवेक्स मिरर कहते हैं।
बोलते हैं, खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर है, खोखले गोले का पार्ट से हम मिरर बना रहे हैं, तो मिरर अगर हमको बनाना होगा तो एक साइड में सिल्वर कलर करना होगा, सिल्वर करने से एक साइड शाइनी हो जाएगा, मिरर में एक साइड शाइनी साइड होता है और दूसरा साइड सिल्वर्ड होता है, तो एक अंदर वाले साइड को सिल्वर कर दोगे तो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, बाहरी साइड शाइनी रहेगा, और बाहरी साइड को सिल्वर कर दो अंदर वाला साइड शाइनी साइड होगा तो वह कॉनकेव मिरर होगा। तो स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर समझ के बना कैसे बाबू, एक होलो स्फीयर लिया गया ग्लास का, उसको काट काट के छोटा छोटा पोर्शन में जो भी मिरर बनता है एक एक साइड रंगते जाते हैं। रंगने का भी दो तरीका हो सकता है कि तुम अंदर से रंग रहे हो कि बाहर से रंग रहे हो, उसके हिसाब से अंदर से रंगने का मतलब सिल्वर कलर सिल्वर करना, सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाना, चांदी का कलई चढ़ाना। तो देखो बाबू, तो अगर यहाँ पे हमारा मिरर बन गया, अगर हमारा एक कॉनकेव मिरर बनता है, अगर एक कॉनकेव मिरर का फॉर्मेशन हुआ, कॉनकेव मिरर एक क्या है बाबू, तो स्फेरिकल मिरर है, क्योंकि यह एक स्फेयर का पार्ट है। तो यह एक स्फेयर का अगर पार्ट होगा तो इस तरह से वो स्फेयर होगा, तो जिस स्फेयर का यह मिरर पार्ट होगा उसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इस सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र जिसे सी से डिनोट करते हैं। इस कॉनकेव मिरर का मिड पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं, पोल, जो मिड पॉइंट यहां बनेगा इसमें उसको पोल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, ध्रुव बोला जाता है हिंदी में। पोल कहीं भी हो सकता है, यहां से मिरर बना हुआ तो इधर पोल, इधर पोल, कहीं पोल हो सकता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर तुम मिला दिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर तुम मिला दिए तो इसे तुम बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस, इसे तुम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अब एक ऑब्जर्वेशन देखा गया बाबू, एक ऑब्जर्वेशन देखा गया कि कहीं से लाइट आ रहा है, कहीं से लाइट आ रहा है, कहीं से दूर से लाइट आ रहा है, कहीं दूर से लाइट आ रहा है। पैरेलल लाइट मतलब जान गए कि इन्फिनिटी से आ रहा है, एट इन्फिनिटी। कैसे जाने बाबू इन्फिनिटी, तो तुम जानते हो कि लाइट रे जहां कटेगा या कटता हुआ प्रतीत होगा वहीं पे से ना आ रहा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का लोकेशन दिखाने के लिए रे जहां कटता है या कटता हुआ प्रतीत होता है वही ऑब्जेक्ट का लोकेशन होता है। तो पैरेलल लाइन को माना जाता है कि वह इन्फिनिटी पे कट रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे कभी दिखाना होगा तो वहां से निकलते हुए रे दिखाने के लिए हमें पैरेलल दिखाना होता है। तो पैरेलल रे जो है वह मिरर से टकराने के बाद कहीं ना कहीं जाके तो कटेंगे, तो जहां भी कटा वह हमेशा एक प्लेन में रहा, जहां भी कटा वह हमेशा एक प्लेन में रहा, उस प्लेन को हम फोकल प्लेन नाम दिए, फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या होता है इसको समझने के लिए एक पॉइंट को हमको समझना है, जो मिरर मेरा था यहां पे, उस मिरर का, स्फेरिकल मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे हम ले गए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारा ले गए, वह रे मिरर से टकराने के बाद फिर से प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे काट दिया, वह पॉइंट जहां कटा उसे हम फोकस नाम दिए, उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दिए बाबू, फोकस। तो फोकस क्या है, तो किसी भी स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे जाकर मिरर पे इंसिडेंट करता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जहां काटता है उसे हम फोकस करते हैं। मुख अक्ष के समानांतर रेखा आपतित किरण जा मिरर से टकराने के बाद फिर वापस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटती है उसे फोकस करते हैं। अब आते हैं फोकल प्लेन के बारे में, तो एक ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, मतलब इस तरह से परपेंडिकुलर हो और वह फोकस को रखता हो, एक ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और वह फोकस को रखता हो उसे हम फोकल प्लेन कहते हैं।
अब मैटर यह है कि जो भी पैरेलल लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के आती है वो फोकस से ही गुजरती है, तो यहाँ पे फोकस जो बनता है वो यही फोकस क्यों बनता है, फोकस में और इसमें क्या रिलेशन है, उस सब रिलेशन को हम लोग आगे मैथमेटिकल पढ़ेंगे। जो भी हम लोग मिरर में पढ़ेंगे वह दो तरीका से हम लोग पढ़ाई को करेंगे। एक पढ़ाई तो मेरा होता है रे डायग्राम के थ्रू डायग्राम खींचकर, और दूसरा पढ़ाई होता है एनालिटिकली फॉर्मूला और मैथमेटिकल लोकेशन को देखना। तो 10th क्लास में केवल रे डायग्राम पढ़ना है जबकि 12th क्लास में एनालिटिकल मैथमेटिकल लोकेशन को भी समझना है। तो ध्यान दो बच्चों, इसमें जो सभी बातें तुम लोग समझ चुके होगे कि एक स्फीयर होलो स्फीयर ग्लास का बना हुआ होलो स्फीयर का एक पोर्शन काट के जो मिरर बनाते हैं वह स्फेरिकल मिरर होता है, जिसको दो तरीका से सिल्वर कल सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ा सकते हैं, और बाहर से चढ़ाए तो कॉनकेव मिरर बनता है जिससे अंदर वाला साइड शाइनी हो जाता है। अंदर वाला साइड अगर शाइनी साइड होगा तो फिर वह एक खोखला गोला का ही पोर्शन होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा या उसका सेंटर, इसका मिड पॉइंट पोल होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाओगे तो वह प्रिंसिपल एक्सिस होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेखा को ले जाओगे, इंसिडेंट रे ले जाओगे, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे काटेगा जो हमेशा फोकस होता है। क्लियर है बाबू? कोई भी मिरर है उसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है और उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर कर जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे गुजर कर जाएगा वह हमेशा उसी रास्ता पे रिट्रेस करेगा। कभी भी किसी मिरर में कोई भी रे जो है वह अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर के गया तो मिरर से टकराने के बाद उसी रास्ता पे वापस आएगा। इसके लिए रीजन यह है बाबू कि किसी भी स्फीयर में जो नॉर्मल खींचते हैं वह हमेशा सेंटर से गुजरता है। कहीं से नॉर्मल खींचोगे वो हमेशा सेंटर से गुजरता है, यानी सेंटर से जो लाइन गया है वो एक्चुअली नॉर्मल है। तो मिरर में नॉर्मल का लाइन वापस उसी लाइन पे वापस लौटा था ना, याद करो। किसी भी स्फेरिकल शेप में जो नॉर्मल खींचते हैं 90 डिग्री पर लाइन, वो सब लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाला लाइन ही नॉर्मल होता है। तो दो बातें यहां से हम सीखे, पहला जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगा वो उसी रास्ता पे रिट्रेस कर जाएगा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाला लाइन नॉर्मल होता है, यानी कि अगर नॉर्मल खींचना होगा हमको मिरर पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही नॉर्मल खींचेंगे। तो नॉर्मल का लोकेशन तब हम लोग को पता चल गया, इंसिडेंट रे का लोकेशन पता चल गया, अब रिफ्लेक्टेड रे के लोकेशन को हमें खोजने हैं। तो अभी तक की इस पॉइंट्स को ध्यान दो बाबू, 10th क्लास में यह सभी डिफिनेशन पढ़े होंगे, अभी हम केवल समझाए हैं, लिखने का कोई नीड नहीं है, ठीक ना। देखो बच्चों, एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू R बाई टू, इसको हम लोग मैथमेटिकली दिखा रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए। एफ क्या है, आर क्या है, समझा रहे हैं बच्चों। एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में यहां पोल होता है, कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसका एक सेंटर होता है जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है आर, वह रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है बाबू। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे इंसिडेंट किया आकर मिरर पर, मिरर से पे इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां काटा वह फोकस होता है। फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस ही फोकल लेंथ होता है, इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। अब यही फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में हम लोग को रिलेशन बताना है। यह तुम्हारा बाबू इंसिडेंट रे हो गया, यह तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया,
इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल के बारे में अभी पिछले थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि वह हमेशा सेंटर से होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला लाइन ही नॉर्मल होता है। यह हो गया बाबू नॉर्मल। तो यह अगर नॉर्मल हुआ तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा, इस एंगल को अगर हम थीटा माने तो यही इंसिडेंट एंगल हो गया, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी थीटा होगा। यानी जो फिगर दिख रहा है उसके हिसाब से थीटा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो थीटा ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दें कि इसको हम ए पॉइंट मान लिए जहां पे इंसिडेंट हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑफ रे ऑन मिरर। ठीक है बाबू, तो ध्यान दो बच्चों, ए से यहां हम परपेंडिकुलर डाल दिए एक एम, एम परपेंडिकुलर है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पे ए से एम यहां एक परपेंडिकुलर डाल दिए। तो अगर यह थीटा है तो इसको भी थीटा होना पड़ेगा, एंगल ए सी पी थीटा होगा। ध्यान दो, यह अगर थीटा है तो इसको थीटा होना पड़ेगा, ध्यान दो, यह अगर थीटा है तो इसको थीटा होना पड़ेगा, यह थीटा है तो भी थीटा हो गया, और यह पूरा का पूरा टू थीटा है तो इसको पूरा का पूरा टू थीटा होना पड़ेगा, ध्यान दो, यह अगर टू थीटा है तो इसको टू थीटा होना पड़ेगा, यानी एंगल ए एफ पी टू थीटा होगा। तो रे डायग्राम के हिसाब से, फ्रॉम रे डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो टेन थीटा को हम एम बाई एम सी लिख सकते हैं। टेन थीटा यहां देखोगे तो एम बाई एम सी लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एएमसी में, एएमसी में एम बाई एम सी। और टेन टू थीटा हम लिख सकते हैं ए एम बाई एम एफ। ध्यान दो बाबू, टेन टू थीटा लिख सकते हैं ए एम बाई एम एफ इन ट्रायंगल ए एम एफ में। अब यहां ध्यान दो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए एक स्पेशल बात होता है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स सिर्फ पैराएक्सियल रेज के लिए वैलिड होते हैं। अब पैराएक्सियल रेज और मार्जिनल रेज दो तरीका के रेज होते हैं, यहां पे हम तुम लोग को समझा रहे हैं। यह तुम्हारा बाबू मिरर है, यह तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नजदीक हो वह तुम्हारे पैराएक्सियल रेज कहे जाते हैं, इसे हम पैराएक्सियल कहते हैं, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो उसे हम लोग मार्जिनल रेज कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सिर्फ पैराएक्सियल रेज पर ही आधारित होता है। तो याद रखो, ज्योमेट्री ऑप्टिक्स जो हम लोग पढ़ना है इज बेस्ड ऑन पैराएक्सियल रेज। तो याद करो, जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोले थे तो हम बोले थे कि बहुत सारा एप्रोक्सीमेशन लेना होगा, वह धीरे धीरे करके हम लोग बताते जाएंगे। तो फोर पैराएक्सियल रेज, पैराएक्सियल रेज का मतलब बहुत नजदीक से सट के इंसिडेंट रे गया है, तो यह सब एंगल जो बने हैं वो बहुत छोटे हैं, थीटा बहुत छोटा होगा। थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो टेन थीटा थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा टेन्स टू थीटा हो जाएगा, कैलकुलस का टर्म है, बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान देंगे कि थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा थीटा के बराबर और टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है, और टेन टू थीटा भी टू थीटा के बराबर होगा। और बहुत नजदीक से रे जाएगा तो यहां पॉइंट पड़ेगा, तो एम और पी ऑलमोस्ट नजदीक हो जाएंगे, ए यहां होगा, परपेंडिकुलर डालोगे तो एम इज क्लोज टू पी, इसलिए टेन थीटा मेरा जो दिया हुआ था एम बाई एम सी उसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर ए पी बाई पी सी।
ध्यान दो, एम को पी से रिप्लेस कर दिए, टेन थीटा तो थीटा होता ही नहीं है। उसी प्रकार टेन टू थीटा जो है मेरा ए एम बाई एम एफ, उसको हम लोग लिख दिए टू थीटा ए पी बाई पी एफ। एम को पी से रिप्लेस कर दिए और टेन टू थीटा को टू थीटा लिख दिए, तो यहां थीटा के प्लेस पर ए पी बाई पी सी पहले से है और यह हो गया ए पी बाई पी एफ। ए पी से ए पी कैंसिल हो गया, तो पलट दो पी सी बाई टू बराबर पी एफ, मतलब इसको आर बाई टू एफ, आर बाई टू जो होगा वह एफ के बराबर होगा। तो एफ बराबर आर बाई टू यही ना हमें लाना था, तो हम लोग प्रूव कर दिए। उसे टेंथ क्लास में भी यह तुम पढ़े होगी, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है, तो आर बराबर टू एफ होता है। प्रूफ के लिए ध्यान दोगे तो टर्म यूज किया गया है कि पैराएक्सियल रेज के लिए ही प्रूफ होता है, मतलब बहुत ही पॉइंट नजदीक होंगे। ध्यान दो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल या एंगल या इस एंगल के बराबर और या एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यहाँ टेन थीटा निकालोगे तो पी बाई बी, यहाँ टेन टू थीटा निकालोगे तो पी बाई बी लिख देंगे। पैराएक्सियल के लिए थीटा बहुत नजदीक होगा, छोटा होगा, तो टेन थीटा थीटा और टेन टू थीटा भी टू थीटा होगा। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ खास पढ़े नहीं है, अब हम लोग पढ़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगले क्लास में हम कुछ एनालिटिकल बात जाने, इसी में एक बात और भी जानो कि जब हमारा स्फेरिकल मिरर है तो कुछ रेडियस है, लेकिन जब प्लेन मिरर है तो उसका रेडियस इंफिनिटी होता है। प्लेन मिरर का रेडियस इंफिनिटी होता है, रेडियस इंफिनिटी होगा तो फोकल लेंथ भी इंफिनिटी होगा। तो कोई तुमसे पूछेगा कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, तो इंफिनिटी होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे ले बढ़ाएंगे।